जहाँ पर इंडिया का एक ट्रेंड है एक इंडस्ट्री का फिल्म है दूसरे इंडस्ट्री में रीमेक करने का। वह ओडिया पर कुछ ऐसे फिल्में हैं जो तमिल फिल्मों से की गई है रीमेक। दोस्तों आज मैं बहुत सारी ओडिया रीमेक फिल्मों के बारे में बात करने वाली हूँ, और अगर आप हो ओडिया फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 11 बेबी, और 2016 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें अनुभव मोहंते, प्रीति और पोलो में लीड रोल में नजर है। और बता दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट, और सुपर रिमेक बनाई गई है 2016 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म पिचाई करण से, और जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में विजय एंटोनी सतना लीड रोल में नजर है। और अगर स्टोरी की बात करूँ इसमें बिलियनर बिजनेसमैन आरुल की माँ कुमा पे जाने के बाद उन्होंने कैसे भिखारी के रूप में एक सीक्रेट लाइफ लीड करते हैं वह इसमें दिखी है। और यह फिल्म रहा काफ़ी हार्ट टचिंग, जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 7 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर हाई कंटेंट की वजह से 42 करोड़ कलेक्शन किया है, और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 10 गुड बॉय, ये 2012 का एक्शन फिल्म है और इसमें अरिंदम रॉय लीड रोल में नजर है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा एवरेज। अब बता दूँ इस फिल्म का 2008 का तमिल एक्शन फिल्म पझानी से रीमेक बनाई गई है, जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में भारत और काजल अग्रवाल लीड रोल में नजर है। और बता दोस्तों इसी फिल्म के साथ भारत का पहला एक्शन फिल्म रहा, और जहाँ पर इसमें पझानी कैसे 15 साल के बाद जेल से बाहर निकल के अपनी बहन के लिए लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए इसमें दिख रही है, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा एवरेज। नंबर 9 अभया, ये 2017 का ओडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें सुपरस्टार अनुभव महंते लीड रोल में नजर है। और बता दोस्तों ये फिल्म ओडिया का 2017 का वन ऑफ द बिगेस्ट हिट फिल्म रहा, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। और बता दोस्तों इस फिल्म को 2013 का तमिल फिल्म इवन वेरेमाथिरी के ओडिया रिमेक है, और जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में विक्रम प्रभु लीड रोल में नजर है। और इसमें गुना मिनिस्टर के भाई ईश्वरन को किडनैप करते हैं, और बाद में वो कैसे एक खतरे में पड़ जाते हैं वह इसमें दिखी है, और इस फिल्म पे काफी थ्रिलिंग ट्विस्ट नजर आई है, और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर 8 सिस्टर श्रीदेवी, और 2017 का ओडिया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें बबूशान और शिवानी लीड रोल में नजर है। और बता दोस्तों ये फिल्म यंग जनरेशन के बीच में मच हाइप वाला फिल्म रहा, और इस फिल्म को मिला है काफी पॉजिटिव रिव्यू, जब इसका बजट था 70 लाख, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 7 करोड़, और ये फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और बता दोस्तों इस फिल्म को तमिल कर 2016 का रेमो फिल्म से बनाई गई है रिमेक, जहां पर ओरिजिनल वर्जन में शिवा कार्तिकेयन को लीड रोल में नजर आई है। और इसमें शिवा एक एक्टर है, और वो कैसे नर्स बन के अपने प्यार कविया की दिल जीतने की कोशिश करते हुए इसमें दिख रही है, और इस फिल्म को माना जाता है शिवा का कैरियर में वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग पॉइंट वाला फिल्म है, जहाँ पर इसका बजट था 35 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 80 करोड़, और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 7 आकाशी की रंगा लगीला, ये 2009 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें अनुभव मोहंते लीड रोल में नजर है। और बता दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपरहिट, और ये फिल्म 2008 का तमिल फिल्म महेश सारनिया मथुरम पलर इसी से रिमेक बनाई गई है, और जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में शक्ति वसूल लीड रोल में नजर है। और अगर स्टोरी की बात करूँ इसमें महेश अपनी बहन की शादी में आकर कैसे खतरे में पड़ जाते हैं वे इसमें दिखी है, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। नंबर 6 तुझे शेई, ये 2016 का ओडिया ड्रामा फिल्म है और इसमें रिया देव, शीतल पत्रा और बाबूशान लीड रोल में नजर है। और बता दोस्तों ये फिल्म 2013 का मोस्ट हाइप वाला रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म राजा रानी का रिमेक है, और जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में आर्या नयनतारा लीड रोल में नजर है। और इसमें जॉन और रेजिना दोनों का मैरिड लाइफ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट और प्यार कहानी को दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 15 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 75 करोड़, और ये फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 5 बालूंगा टोका, ये 2011 का ओडिया रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें अनुभव मोहंते लीड रोल में नजर है। और बता दोस्तों जो फिल्म 100 डेज तक थिएटर पर सक्सेसफुली रन करके ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है, और ये फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और बता दोस्तों ये फिल्म 2004 का तमिल फिल्म 7G रेनबो कॉलोनी का ओडिया रिमेक है,
जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में रवि कृष्णप और सोनिया अग्रवाल लीड रोल में नजर है। और इसमें रवि कैसे अनीता को इम्प्रेस करने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं वही इसमें दिख रही है। और ये फिल्म उस वक्त यंग जनरेशन के बीच में काफी हाइप वाला फिल्म था और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 4, हैप्पी लक्की। ये 2018 का रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें संबित और जयती लीड रोल में नजर है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। और बता दोस्तों, ये फिल्म 2012 का तमिल फिल्म वेट्टई से रिमेक बनाई गई है जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में आर मधवन आर्या लीड रोल में नजर है। और इसमें दोनों भाई थीरू और गुरु दोनों ने मिलकर कैसे शहर का एक मॉबस्टर के अगेंस्ट में फायरिंग करते हुए इसमें दिखाई है। और सुनको अदर लैंग्वेज जैसे कि हिंदी भाषा में भी रिमेक बनाई गई है। और बता दोस्तों, ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर 3, मो दुनिया तू ही तू। ये 2013 का ओडिया ड्रामा रोमांटिक फिल्म है और इसमें अनुभव वर्षा और मानी केतन लीड रोल में नजर है। और बता दोस्तों, ये फिल्म भी ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑल टाइम का लिस्ट पर शामिल है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। और बता दोस्तों, ये फिल्म 1998 का तमिल फिल्म उन्नी दाथिल एन्नई कोदुथन से रिमेक बनाई गई है जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में कार्तिक रोजा लीड रोल में नजर है और साथ में थलाजीत कुमार एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस पर दिखाई गई है। और ये फिल्म 200 डेज तक थिएटर पर सक्सेसफुली रन करके बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 2, सुपर मिचुआ। ये हॉलीवुड का रोमांटिक फिल्म है और इसमें बाबूशान झिल्लिक लीड रोल में नजर है। और बता दोस्तों, जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 24 लाख, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कलेक्शन किया है 2 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपरहिट। और बता दोस्तों, इस फिल्म को 2005 प्रियासा की फिल्मों से रीमेक बनाई गई है जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में आर माधवन और साधा लीड रोल में नजर है। और इसमें आमिर लड़की प्रिया और मिडिल क्लास लड़का शाकी के बीच में मैरिड लाइफ से जुड़कर प्रेगनेंसी टॉपिक को दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा एवरेज। नंबर 1, आई लव यू। और 2004 का ओडिया रोमांटिक एक्शन फिल्म है और इसमें अनुभव मोहंते और मुंबई बेस्ड मॉडल और एक्ट्रेस नम्रता थापा लीड रोल में नजर है। और फिल्म उस वक्त यंग जनरेशन के बीच में रहा काफी पॉपुलर फिल्म है और इस फिल्म को अनुभव का कैरियर में वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला फिल्म भी माना जाता है जहाँ पर इसका बजट था सेफ और सेफ 10 लाख, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन रहा 2 करोड़ और ऐसे करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। और बता दोस्तों, इस फिल्म को 1999 तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थुल्लाधा मनामुम थुल्लुम इसी फिल्म से बनाई गई है रिमेक और जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन में थलपति विजय और सिमरन लीड रोल में नजर है। और अगर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें रुकू जब अपनी आंखों की रोशनी खो देती है तब एक म्यूजिशियन कुत्ती ने कैसे उसे मदद करते हैं वही इसमें दिखाई है। और इसी फिल्म के साथ विजय को मिला है MGR ऑनररी अवार्ड। और बता दोस्तों, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। दोस्तों, ये रहा कुछ ओडिया फिल्मों के बारे में जिस फिल्मों को तमिल फिल्मों से की गई है रिमेक और इन सब फिल्मों से आप कौन से ओरिजिनल और कौन से रिमेक वर्जन में देख चुके हो कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सके बॉलीवुड साथ ही ने सुन से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।